अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक होंगे। मैं अभी आपके सामने चिली फ्राई की रेसिपी लाई हूँ, ठीक है। ये इसके लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ करनी है, ये चिकन है 300 ग्राम, इसको मैंने उबाल के तो छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसके। और ये प्याज हैं, ये नॉर्मल दो प्याज हैं नॉर्मल साइज़ की, ठीक है। ये लहसुन है 1 टीस्पून, ये अदरक है 1 टीस्पून, और ये वाला छोटा हाफ कप है ऑलिव ऑयल, ये मैं यूज़ करूँगी इसमें। और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून सुरख मिर्ची हैं, और 1 टीस्पून ये नमक है, और ये 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, ठीक है। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और ये धनिया। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया, इसमें पहले जाएगा ऑयल ऑफ ऑयल। फिर इसमें जो डालना मैंने प्याज, इसको थोड़ा सोते करना है, और बहुत ज्यादा इसको भूनना नहीं है, और ब्राउन भी नहीं करना है। प्याज को सोते करके थोड़ा, फिर इसमें हमने लहसुन डालना। इसमें अदरक जाएगी, अदरक को उसको थोड़ा भून के फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून मिर्ची है, रेड मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून मसाले में पानी ऐड कर लेना ताकि ये नीचे ना लग जाए, चिपके नहीं मसाला नीचे। अभी हमने इसमें चिकन डालना है, जो पीस हमने छोटे छोटे पीस करके रखा हुआ था, ये उबला हुआ चिकन है। गैस की फ्लेम को थोड़ा आस्ता कर देना है। अभी इसके बाद इसमें शिमला मिर्ची डालनी है, फिर इसमें टमाटर डालने हैं। अभी 5 मिनट इसको थोड़ा दम पे रख देना है ताकि ये थोड़ा इसका टमाटर और शिमला मिर्च इसके गल जाए, ठीक है। और फ्लेम चूल्हे की आस्ता कर देनी है। अभी 5 मिनट के बाद मैं चेक करने लगी हूँ, ये टमाटर हमारे और शिमला मिर्च सोते हो गए हैं, ठीक है। ये अब रेडी है। इनको टमाटर को और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं गलाना, और प्याज को, ठीक है। बस इनको सोते करना है। ये हमारी चिली फ्राई रेडी हो गई है, अब मैं इसको खाने के लिए डाल रही हूँ। अभी मैं धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है।
ठीक है। अब ये खाने के लिए हमारी रेसिपी तैयार है, आप भी इसको घर में रेडी करें, इसको नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, जैसे आप बेहतर समझें। इसको एंजॉय करें और घर में इसकी रेसिपी को तैयार करें, और मेरे पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।